आप्यायन्तो ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो सर्वं ब्रह्मोपनिषदं बाहं ब्रह्म निराकुर्यम् मा ब्रह्म निराकरणमस्तु अनिरा तदात्मनि निरतेय उपनिषस्वधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कर केशवम्बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त नम ओं शाति नारायण सभी शरीरों में एक आत्मा है ये शुति प्रमाण से सिद्ध है तस्माद एक आत्मा प्रकरणीय सिद्ध इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में भेद नहीं है उपाधि का भेद तो है आगे देखो छः सौ पचहत्तर नंबर पेज से चलेगा आत्मा एक के परस संसारितम एव संसारी ये अद्वैत का ज्ञान होना सबसे कठिन है यदि आत्मा एक हो सभी शरीरों में तब तो फिर भेद रहा नहीं तो फिर परमात्मा क्या हो जाएगा संसारी हो जाएगा क्योंकि परमात्मा ही तो सबके शरीर में है ना शंका किया <coughs> उत्तर दे रहे ना ऐसा नहीं क्योंकि संसार यदि वास्तविक होता तो परमात्मा में संसारित धर्म वास्तविक होता मिथ्या वस्तु का संबंध सत्य वस्तु के साथ अधिष्ठान के साथ नहीं होता है तमाम तो प्रकार के चित्र दिखते हैं तो पर्दे के साथ क्या संबंध उसका नहीं होता है नहीं? ये लेकर नचा आत्मा ना संसारी ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ आत्मा संसारी नहीं हो सकता संसार का धर्म आत्मा में नहीं होता है क्यों नहीं होता है आप जो भी कहते हैं आपकी बात सब सत्य हो जाती है और हमारी बात सब झूठ हो जाती है ऐसा कैसे बोलते हैं कि आप लोग विचार नहीं करते हैं अविद्या अध्यस्तत्वाद आत्मनि संसार ठीक है आत्मा में संसार दिखता है लेकिन ये अध्यस्त न है अविद्या के कारण ये अध्यस्त है अविद्या अध्यस्तत्वाद अविद्या अध्यस्तम ये अविद्या अध्यस्तम और तस्मि तद्बुद्धि यती आरोप यही अध्यारोप हुआ और में सर्प नहीं है और मान लो है कि नहीं रस्सी एक किलो की है सर्प दो किलो की है और एक किलो और दो किलो कितना हो गए एक ही रहेगा एक और दो तीन हो जाएगा सर्फ वास्तविक नहीं है तब <laughs> कैसे मिलेगा <coughs> इसलिए कह रहे हैं ये तो अविद्या के कारण ये आरोपित है संसार इसलिए संसार का धर्म से आत्मा संसारी हो जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है देखो आरोपित संसारितम ये संसार कैसा है आरोपित है वास्तविक नहीं है इसलिए वस्तुतः न आत्मा नहीं इसलिए आत्मा में दिखने पर भी आत्मा में नहीं है संसार इतिए तक ये सिद्धांत है नारायण इसलिए दृष्टांत न स्पष्ट होती हमको दृष्टांत बता को से समझाओ तो ज्ञान हमारा पक्का हो जाए इसलिए कह रहे ठीक है दृष्टांत की हमारे पास कमी नहीं है दृष्टांत की हम झड़ी लगा सकते भगवान भाष्यकर कह रहे हैं नहीं रज्जु सुक्ति का गगनादिशु सर्प रजत मलादिनी मिथ्या ज्ञान अध्यस्तानी तेजा भवती देखो हाँ आप लोग पढ़े ना व्याकरण यथा संख्या मनोदेश समान क्रम से लगा लो जैसे रज्जु में सर्प रसी में सर्प नहीं बहुत लोग कहते हैं कि सर्प का नाम क्यों पहले लेते हो अरे पहले जो है पटन पाटन कहाँ चलता था हाँ ऐसे शांत प्रूफ इसमें चलता था क्या पहले शांत प्रूफ में वहाँ पर प्राकृतिक शांत प्रूफ था वो कहाँ प्राकृतिक शांत प्रूफ मालूम है जंगलों प्राकृतिक शान प्रव है <laughs> और वहाँ पर महात्मा लोग कुटिया में थे सांप तो था ही हो सर्व है ना ऐसे ही मानना चाहिए और क्या और ये स्पष्ट होता है है तो रज्जू रज्जू में सर्प और सुक्तिका में रजत चांदी है और आकाश में देखो आकाश सफेद होता है कि आकाश जो है लाल होता है कैसा होता है कि नीला होता है आकाश में कोई रूप नहीं है फिर भी हाँ नीलम गगनम गगन नीला है एक ही नहीं और आंधी उठ गई तो गगनम वलिनम आकाश मलिन है आकाश मलिन है नहीं है उधर धूलिकण होता है तो आकाश में मालिन ने कही तो आरोप है मिथ्या ये नहीं छह सौ पचहत्तर नंबर चल रहा है भाष्य में देखो दूसरी पंक्ति ऊपर से तो सर पर जता मलादिनी आदि सर भी ले लो <coughs> जलधारा आदि सब ले लो क्या? मिथ्या ज्ञान अध्यस्तानी इसलिए मिथ्या जो अज्ञान है देखो विच्छेद कैसे करोगे मिथ्या ज्ञान टीका में दिया देखो मिथ्याच तद अज्ञानम ज्ञानम नहीं लेना है मिथ्याच तत् अज्ञानम ये जो अज्ञान है ना सत्य नहीं है अज्ञान भी एक कल्पना है एक कल्पना है है ना मिथ्या च अज्ञानम ची मिथ्या ज्ञानम समझ में ऐसा कह दिया <coughs> मिथ्या जो अज्ञान है तो क्या समास हुआ व्याकरण पढ़ने वाले है कि नहीं यहाँ पर विष्णु भगवान मिथ्याच तदिज्ञान कर्मदार समास हुआ अज्ञान कैसा है मिथ्या है सत्य नहीं है ठीक है माया सत्य नहीं होती है ना? मिथ्या अज्ञानम तेना अध्यस्तानी नहीं अविद्यमान अविद्या के कारण जो अध्यस्त होगा वह ही नहीं वास्तविक दिखने पर भी है ही नहीं है कि नहीं प्लास्टिक में सर्पो जैसा दिखता थे, सर्पों वहाँ पर है क्या है ही नहीं वो है ना? नविद्यमानी एव इसलिए विद्यमानवत प्रतिम आपादिताने, लेकिन विद्यमान की तरह दिखता है है ना? इसी का नाम तो मिथ्या है नहीं होने पर भी जो दिखे इसी का नाम होता है मिथ्या मिथ्या शब्द के दो अर्थ है मिथ्या शब्दों देवता अपन नव अनवचनीय बचनाता है निक पंचपादी का कार भगवान भाष्यकार के शिष्य का नाम है पद्म पादा आचार्य है पूछने का मिथ्या शब्द दो प्रकार के इसको ए, एक होता है अनिर्वचनीय दूसरा होता है अपन नव वचन अपन नव अलिक व्या्या पुत्र की तरह इसको ही मिथ्या बोल देते हैं ठीक है ना लेकिन माया को जगत को जो मिथ्या कहते हैं वो बंध्या पुत्री की तरह नहीं है वो जैसे रज्जु में सर्प की तरह होता है ठीक है तो नहीं होने पर भी दिखता है इसलिए संसार दिखने पर भी आत्मा में संसारित तो पना नहीं आएगा एते ना इसलिए क्या हुआ थोड़ी टीका देखो ना हवैसा शरीर से इत्यादि बदलता देखो पहले कहा ना न होवैसा शरीर से प्रिया प्रिय पतिरस्ती जब तक आप स शरीर मानो अपने को शरीरधारी मान रहे हो तब तक प्रिया प्रिय होगा ऐसा जो मंत्र है बोलते हैं कि देखो वास्तवतम बोलते कि हम तो हम भी तो वेद के अनुसार चल रहे हैं तो हम तो मानेंगे इसको सत्य वास्तवतम प्रिया प्रिय संबंध स प्रिय का अप्रिय का संबंध तो आत्मा में होना ही चाहिए क्योंकि स्ुति बोल रही है ना स्ुति को तोड़ मरोड़ क्यों करते हो श्रुति जैसा बोलते ऐसा मन हो लोग कहते हैं ऐसा यदि शंका ऐसी शंका हो गई उक्त न्याय अतिदेशन वही हमें युक्ति बता दिया भाई बहुत सारे दृष्टांत बता दिया रजो में सर्प है सुक्ति का में चांदी है ये क्या हो देखने पर भी होता है क्या नहीं होता है भाषण पर भी होता नहीं वास्तविक इसलिए बोलते है, एते न स शरीर से प्रिया प्रिय अपहतिर नास्ती यदि व्याख्यातम इस प्रकार से इस मंत्र का व्याख्यान हो गया और विद्या के कारण जब का तो तक आप स शरीर मानते हो है कि नहीं तो तब तक ये प्रिया प्रिय का संबंध का त्याग नहीं हो सकता है लेकिन आप सुखी दुखी तो होंगे ही होंगे हुं। व्याख्यान हुआ इसलिए टीकाकरण लिखता है आनंद गिरी महाराज की देखो यावत अध्यास भावित्व प्रिया प्रियोर अपहति अभाव देखो ये बात कह रहे हैं जब तक अध्यास भावित अध्यासम भवती थी अध्यास अभावी है अध्यास के बाद जो हो मतलब अध्यास के कारण जो हो ठीक है ना तो ऐसा जो प्रिया प्रिय है सुखा दुखा है अनुकूल प्रतिकूल है उसका त्याग आप नहीं कर सकते वो तो होगा ही होगा ये कारण लेकिन विचार जब किया जाए तो शरीर के साथ आत्मा का जो संबंध है वास्तविक नहीं हो सकता न वास्तवोत्तम शरीर संबंधी वह इसलिए तो शरीर के साथ जो संबंध हो रहा है इसका मूल क्या है मालूम है शरीर के संबंध से प्रिया प्रिय हो रहा है और शरीर संबंध का मूल अज्ञान अज्ञान आपका धर्म शरीर का धर्म आपका धर्म हो ही नहीं सकता है फिर भी आप मान रहे हो तो अज्ञान ही है और अज्ञान ही है ये बोलते हैं देखो प्रिया प्रिय दो दुर्निरत और शरीर के संबंध से जो प्रिया प्रिय हो रहा है उसका जो मूल है अज्ञान उसका निरूपण करना बड़ा कठिन काम है वो अज्ञान स्वयं भी मिथ्या है, है कि नहीं इसलिए उसका निरूपण की असत है निरूपण नहीं कर सकते आप ठीक दुनि तो इत्यर्थ इसी का नाम होता है मिथ्या अनिर्वचनीय बोलते हैं आत्मा को भी अनिर्वचनीय बोलते हैं ठीक है और अज्ञान को भी अनिर्वचन बोलते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है आत्मा को जो अनिर्वचन कहा जाता है वो वाणी का विषय हो, न होने से आत्मा को कहते हैं अनिर्वचनीय न अनिर्वचनीय थी अनिर्वचनीय समझ में लेकिन अज्ञान को जो अनिर्वचन बोलते हैं वो वाणी का विषय नहीं है ऐसा ऐसा अर्थ नहीं माया को तो माया शब्द से ही रहो फिर है कैसे हुआ फिर मतलब सात के रूप से नहीं और असत के रूप से भी नहीं के रूप से को हो गए माया को तो ज्ञान से बाधित नहीं होगा और असत को हो गए तो उसका भान ही नहीं होगा पुत्र की तरह एक भान तो हो रहा है हो कहते हैं इसको इसलिए माया को कहते हैं अनिर्वचनीय सत शब्द से भी निर्वचन नहीं किया जा सकता असत से भी नहीं किया जाता उभयात्मक तो हो ही नहीं सकता है ठीक ये लगता है दुर्निरपत्ता इतर्थ अच्छा जी <coughs> देखो स्थितम जो ये निश्चित हो गया अप्रियवेदता एवती न प्रियवेदता एवती देखो सपना में जैसे लगता है कि हम अप्रिय को देख रहे हैं सपना में न? कोई हाथी आपको दौड़ा रहा है मनसा देवी के नीचे <laughs> तो अप्रिय हो गया ना तो अप्रिय है कोई चीज ना कोई अप्रिय है ना अप्रिय को जानना है कुछ नहीं वहाँ पर <laughs> इसलिए अप्रिय व्यक्त है ना अप्रिय व्यक्तता है वास्तविक अप्रिय व्यक्तता आप वहाँ पर नहीं होते अप्रिय कोई ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है <laughs> इसलिए कह रहा हैं टीकाकार इसका निर्णय देखो स्पष्टीकरण स्वप्न दृष्टा खलु अप्रियववेदता एव भवति न तो अप्रियवेदता एव इति यत् पूर्वत्र स्थितं त सिद्धम सिद्धम का तो निश्चितम जैसे स्वप्न दृष्टा होता है है तो अप्रिय वेत्ता एव जैसे आप्रियों को देखता है क्या वास्तविक नहीं जैसे सपना का पिता हो गया सपना का जो पिता है ना वो दो तीन बच्चे को देख रहा है है स्वप्न का पिता कोई वहाँ पर जब पुत्र नहीं तो अब किसका पिता बनेगा <laughs> वहाँ पर पुत्र ही नहीं है तो पिता किसका बनेंगे क्वेश्चन माया इस व में मुझे विचार करोगे ना न? जैसे कहते हैं वो माया वैसे तो चेतनों कहते ईश्वर ईश्वर मतलब क्या होता है शासन करने वाला क्या होने वाला शासन करने वाला तो किसका शासन करेगा जीव का तो है हाँ ना तो जीव हाँ जब वास्तविक नहीं है तो ईश्वर किसका शासन करेगा जीव भाव नहीं रहा तो ईश्वर भाव भी नहीं रहेगा ईश्वर का स्वरूप तो रहेगा लेकिन ईश्वर तो भाव नहीं रहेगा जीव भाव हो तो ईश्वर भाव हो समझ में आएगी नहीं इसमें अगर पुत्रत्व तो हो तो आप पित्व तो होगा आप ही में ना सपना का पुत्र सत्य है ना सपना का पिता सत्य इसी प्रकार जागृत में जैसे है ना है कि नहीं जानक जी ने पूछा कि वो जो सपना में रो रहा था भूखे वो सत्य है कि अभी जो मैं बैठा हूं आपके सामने ये सत्य है ना वो सत्य है ना तुम सत्य हो जो दिखाई दे रहा है दोनों को प्रकाशित करने वाला ओ सत्य है साक्षी सत्य होते हैं समझ में लेकिन साक्षी में जो साक्षित हो वो वास्तविक नहीं साक्ष्य के लिए साक्ष्य के दृष्टि से उसको साक्षी बोल देते हो समझ में नहीं दृश्य के दृष्टि से उसको दृष्टा बोल देते हो वास्तविक उसमें दृष्टित्व धर्म भी नहीं होता है ठीक चलो इसलिए बोल दिया आत्मने संसार से प्रसन्न ना इसलिए आत्मा में संसार के वास्तविक प्राप्ति नहीं हो सकती <coughs> इसलिए संसार को मिथ्या मान लेने के कारण और भी एक फायदा आपको और एक लाभ है लाभांतरमा एवं च सती ऐसा मानने से ही भाष्य देखो सर्व सर्वपर्याय एतत अमृतम अवयम एतद ब्रह्म ये देखो ये प्रजापति का वचन सिद्ध हो जाएगा हुँ? तो कितने पर्याय में उपदेश किया है मालूम है चार पर्याय में उपदेश किया है चार पर्याय में ठीक है ना हाँ प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय जागृत का स्वप्न का सुसिप्ती का और तूर्य का चार पर्याय में क्या ठीक है चार पर्याय में एक ही आत्म तत्व का अलग अलग आत्म तत्व नहीं है एक ही आत्म तत्व ठीक है <coughs> जैसे ब्रह्म सूत्र में चार अध्याय में है ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय चार अध्याय में कितने आत्मा का निरूपण है एक ही आत्मा का निरूपण अनेक आत्मा का निरूपण नहीं है है ना? चलो भाई एवं से ये हो गया पर्याय से सभी चार पर्यायों में जो है ये जो आत्मा अमृत है और अभय स्वरूप है क्योंकि आत्मा एक ही है ना आत्मा से कोई अतिरिक्त होता तब तो भय करोगे आपसे कोई अतिरिक्त हो तब भय करोगे आपसे कोई अतिरिक्त तो है ही नहीं कोई सत्य इसलिए आत्मा को कह दे अभय आत्मा अभय स्वरूप नहीं आत्मा का ज्ञान हो जाने पर अभय होता है अद्वैत आत्मा का इसलिए आत्मा को क्या बोलते हैं अभय कहते हैं सुनते हो जिसमें स्वरूप का ज्ञान नहीं है है कि नहीं जिसमें आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है फिर भी आपका स्वरूप अद्वैत है कि नहीं है हाँ, आपका है आपका स्वरूप अद्वित भय है लेकिन भय कैसे हो रहा है फिर है हाँ, ज्ञान नहीं है ज्ञान से अवय की प्राप्ति होती केवल स्वरूप से अवय की प्राप्ति नहीं होती ज्ञान से अवय प्राप्ति होती <coughs> चलो भाई इसलिए अवयम हर वही ब्रह्म है प्रजापतिर वचन सत्यम अवय एक संबंध इसलिए प्रजापति का वचन जो है वो सत्य हो जाएगा ये बताओ महाराज ये बोल रहे हो प्रजापति का वचन प्रजापति का वचन आपका वेद क्या है प्रजापति का वचन पहले है कि वेद पहले है हुँ? कौन पहले है वेद तो अनादि है वेद जब अनादि है तो फिर प्रजापति का वचन प्रजापति का वचन कहाँ से आ गया ऐसा तो नहीं कि प्रजापति पहले कहा इंद्र विरोचन को बाद में कोई कृष्ण आकर के वेद को लिख दिया ऐसा तो नहीं है <laughs> है ना वेद अपुरुष होने के कारण अनादि होने के कारण कोई बनाया नहीं जैसे पुराण वगैरह होता है प्रत्येक युग में सब है ना ये सब होते हैं पुराण आदि तो फिर वो ऋषि मुनि लोग उसको लिख देते हैं उसमें तो कोई आगे पीछे भी हो जाता है कोई बदल भी जाता है समझ में कि नहीं प्रत्येक युग में भगवान कृष्ण है अर्जुन है राम है ये सब होते हैं है कि नहीं वहाँ पर जो ऋषि लोग लिखते हैं वो तो पुरुष वाक्य हो सकता है पुरुष वक़्त है ही वो लेकिन वेद ने ऐसा कोई लिखता नहीं पूर्व कल्प में जैसा वेद था इसी कल्प में भी वेद ऐसा ही है वेद जब और से है तो उसमें जो संवाद कहाँ से आ गया सोनाथ कुमार जो है नाराज को कैसे कह दिया है कि नहीं तो जाग्ञल के आदि का संवाद कैसे हुआ ब्रजांड में उस जाकरण आदि कहाँ से आ गए ये लोग शंका करते ना इसी प्रकार बोल रहे हैं देखो टीका में अपुरुषैयाम स्वतो कुत प्रजापति रचनम साहब भाई तुम्हारा वेद जो है स्वती ये तो अपुरुष है किसी ने पुरुष ने बनाया नहीं भगवान भी नहीं बनाते हैं भगवान यद्यपि ब्रह्मा आदि इत्यादि को सुनाते हैं लेकिन अपने मानसिक कल्पना करके वैदिक मंत्र को उपदेश करते हैं ऐसा नहीं है <coughs> इसलिए कह रहे हैं भाई ये केवल अभिनय एक माध्यम बना दिया सूती ने प्रजापति के माध्यम से सूती ने कह दिया ऐसा नहीं समझना कि प्रजापति पहले कहा बाद में फिर वेद लिखा गया ऐसा नहीं है इसलिए बोलते हैं भाष्यकर भगवान ये ध्यान देने के वह प्रजापति छद्म रुपया प्रजापति को छद्म बना दिया मतलब क्या बोल बना दिया आचार्य उसको माध्यम से प्रजापति के छद्म से मतलब प्रजापति के अभिनय से माध्यम से सत्य ये सत्यम का वचन है इसलिए वेद पुरुष नहीं है, है। अनादि है ठीक है और आख्या के, के माध्यम से आत्मा का निरूपण करेंगे तो आत्मज्ञान सरल होता है कोई दृष्टांत वगैरह नहीं देंगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा समझ में न? केवल ज्ञान का उपदेश करो लोग बोलते है ना उब जाते हैं उग गए हम <laughs> इसलिए पीज में क्या करते हैं संगीत वगैरह हो जाते है कि उबे। <laughs> इस नगर स्वती भगवती के संवाद है ना देखा जाता है है कि नहीं जैसे किसी बच्चे को भी देखो लोरी मैया सुनाती है आ, तो बच्चे का मन लग जाता है फिर ऐसा ऐसा होता है ना हाँ जैसे बच्चे को बच्चे को केंद्रित करना है सिखाना है है ना कुछ विद्या देनी है फिर कहानी वगैरह सुना देती है मैया हाँ उस गांव उस राज्य में एक राजा था और माँ चुप हो जाएगी मालूम तो फिर तुरंत जब नींद भी आ रही है तुरंत बोले फिर आगे क्या हुआ बताओ तो नींद आएगी नींद नहीं आते बड़ा रस मिलता क्या कैसे इसलिए पहले जमाने में ना व्याकरण का भी उपदेश व्याकरण ही पढ़ाते थे अभिनय करके <laughs> और क्या एक गुरु आ गए ऐसे दाढ़ी फाड़ी लगा करके और क्या बाकी लोग बैठ गए शिष्य लोग तो फिर जो नाटक की तरफ पर व्याकरण भी होता था न्याय भी पढ़ाते थे उसी प्रकार से है ना? तो उसे में बड़ी रुचि होती थी ठीक है ये व्यवहार में देखा जाता है चलो सुधेरे वचन में सत्यम एवं भवे आगे देखा जाए थोड़ी टीका है अभी खूब विचार है देखो बहुत सारे सिद्धांत की बात आ रही है एक ज्ञान होना बड़ा कठिन है आत्मज्ञान सुखादय शास्त्र गुणवादिवत तत आश्रय तत्श्रयपरिशेषा आत्मा भविष्य वैशा वैशेषिदी तर्क असत्यम इति आशंक्य ये बताओ कि आत्मा एक ही है आत्मा निर्गुण है आत्मा निर्गुण यदि कहते हो देखो हम बताते सुख दुख तो आ आत्मा को हो रहा है ना तो आत्मा के बाद छोड़ दिए सुख दुख का तो अनुभव हो रहा है और सुख दुख का जो अनुभूत है वो तो गुण है ना और गुण कहीं ना कहीं आश्रित होगा देखिए अनुमान कर दिया सुखादय शास्त्र गुणवाद रूपवत् गुणत्तम तत्र शास्त्रोत्तम गुण कहीं ना कहीं आश्रित होगा जैसे रूप रहता है रूप कहाँ रहता है मालूम है पृथ्वी जल तेज और, और कहीं नहीं है ना तीन में ही और कहीं रहता है कभी तीन में ही रहता है ठीक इसी प्रकार सुख दुख कोई गुण है कहीं ना कहीं रहना चाहिए कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना इसलिए वो लोग नौ द्रव्य मानते पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दी आत्मा मन तक कहीं भी सुखादि नहीं है ऐसा मानते वो लोग तार्किक लोग वैशे लोग समझ में कि नहीं इसलिए आठ द्रव्यों में जब सुखादी नहीं है तो अगला द्रव्य कौन होगा आत्मा इसी प्रकार आत्मा को सिद्ध कि इसको कहते परिशेष अनुमान प्रसक्त अन्यत्र अन्यत्रसंगात शिष्य मण्य संप्रत्यय परिशेष इसको कहते हैं परिशेष आठ द्रव्य पहले सिद्ध है आठ द्रव्य में सुखादि नहीं है तो सुखादि जिसमें रहेगा उसको कहते हैं आत्मा तो आत्मा में सुखादि गुण है आत्मा में सुखादि गुण है तो आत्मा निर्गुण हुआ कि सगुण हुआ आत्मा स्वगुण हो गया निर्गुण कैसे होगा ये चुक्ति है तर्क अनुमान है ये इसलिए कहते हैं परिशेषा ये कहाँ चलेगा अभी हाँ इसलिए तद आश्रय परिशेषा ये शोकादि का जो आश्रय होगा वो परिशेष अनुमान से इसको कहते परिशेष अनुमान है ना परिशेष न्याय के भाष्यकार भाषायन इसको परिशेष अनुमान कहते हैं परिशेष अविलक्षण आप लोगों को बता दिया पहले भी बताया था एक बार परिशेषात परिशेष अनुमान से आत्मा भविष्यति आत्मा को लोग सिद्ध करते हैं इसलिए आत्मा निर्गुण हुआ इसलिए आप निर्गुण कहते सगुण हुआ तर्क के अनुसार इसलिए वैसे सिखा दी तर्क विरोधात वैसे सीखे नयायी है उनके तर्क से तुम्हारा सिद्धांत तो विरोध हो जाएगा ना इसलिए असत्यम सूतिर्वचना वचन सूत्र जो निर्गुण कहती है वो ठीक नहीं है ना ऐसा मानते वो लोग इति असंक फिर आत्मा को निर्गुण क्यों कह दिया अरे भाई परमात्मा को इसलिए निर्गुण कहते हैं कि जीव में जैसा गुण है सुख दुख ऐसा गुण परमात्मा में नहीं है इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया निर्गुण ऐसे द्वित्वाजी लोग करते करते ठीक है तब इसका उत्तर दे रहे नचा ऐसी बात नहीं है भगवान तत्कुतर्क बुद्ध्याय आ, कुतर्क से श्रुति का विरोध नहीं हो सकता श्रुति उसको बाद नहीं कर श्रुति को बाध नहीं कर सकती है बोलते हैं कुतर्क बुद्धिया मृषा कर तुम युक्तम जुक्तम कुतर्क के द्वारा श्रुति को मिथ्या है है ना श्रुति को अप्रामाणिक ये आप नहीं कह सकते कुतर्क कुर्क कुशिता तर्क यदि कुतर्क तर्क तो चाहिए लेकिन सूतीमूलक तर्क करोगे तो ठीक है और सूती विरुद्ध तर्क करोगे तो नहीं हो सकता उतरक से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है तो गंगा जी का जल कैसा होता है खारा होता है कि मीठा होता है मधुर होता है हुँ? खारा होता है जल तो मधुर है हुँ? और बोले कि देखो ये समुद्र का जल है ना वो कैसा है खारा है? नहीं मीठा है बोलेगा कोई है ना समुद्र का जल क्या कहेगा वो मीठा कहेगा जल ऐसा कोई तर्क कर सकते हैं है? समुंदर का जल यदि मीठा है फिर तो जाओ फिर आचमन कर लो फिर पता लगाओ आचमन करके तो कुतर करना है गंगा जी का जल मधुर होना से समुद्र का जल भी मधुर हो जाएगा ऐसा होगा क्या ये तो का है बात समझ में ही नहीं है इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य की जो खोपड़ी है मरा हुआ मरे हुए ना मृत शरीर की खोपड़ी शुद्ध है क्यों शुद्ध है अशुद्ध है इतना तो है है ना तो इसलिए मृत नरकपालम सूची की तर्क करेगा मरे हुए व्यक्ति के खोपड़ी शुद्ध है मतलब सीधी भाषा में कह रहा हूँ क्लिष्ट भाषा में नहीं बोलना चाहिए है ना तो मृत नर कपालम सूची प्राणी अंगत्वात प्राणी का अंग है, है? दृष्टान देंगे देखो शंखवत शंख शंख है ना, शंख बजाते हैं ना, वो भी खोपड़ी है कि नहीं है मरे हुए जीप की खोपड़ी है कि नहीं हो? नहीं है बोलो है ना समुद्र से लाते हैं उसको सब निकाल करके बना देंगे नहीं वो भी तो खोपड़ी है तो प्राणी का अंग है कि नहीं है तो शुद्ध है क्यों अशुद्ध है वो बोलो शुद्ध है ना तो प्राणी का अंग जो है शुद्ध हो जाएगा इस व्यक्ति मरे हुए आदमी की खोपड़ी भी क्या हो जाए शुद्ध हो जाए ऐसा कोई तर्क होता है क्या ये सब कुतर्क होता है भाई दृष्ट शुद्धि और अशुद्धि में प्रमाण कौन है शास्त्र है अपनी बुद्धि प्रमाण नहीं होती है शास्त्र प्रमाण है समझ में आए कि नहीं इसी प्रकार ये सब कुतर का बोलते हैं इसलिए सुख आदि दिखने से आत्मा का धर्म कैसे खोगे हम्म ऐसा है देखो ये विचार है सुखादि नाम उपाधि धर्मत्व ना सिद्ध ठीक है सुखादि कहीं ना कहीं आश्रित है सुखादि साश्रय है मतलब कहीं ना कहीं आश्रित है ये तो ठीक है वो तो मानते ही है सिद्ध साधन है तो सुखादि कहाँ पर आश्रित है मन में है ना मन में सुखादी है उसका आरोप करो वे आत्मा में एक कैसे होगा धूम दिखाई दे रहा है कहाँ पर मान लीजिए जला ये क्या बोलते हैं नहीं पर्वत में कहो अथवा महानस में कहो पर्वत में दिख रहा है धूम है ना धूम पर्वतीय धूम को देख करके के अनुमान करोगे पर्वतीय बनने का पर्वत में बन्नी है लेकिन पर्वत में धूम को देख के बोलेगे समुद्र में बननी है हो जाएगा जहाँ पर जिस आश्रय में धूम दिखता है उसी आश्रय में बनने को सिद्ध करोगे बराबर है कि नहीं है ना इसलिए दे जहाँ पर दिख रहे कोई ऐसी बस सांख्य लोग भी कहते हैं आत्मा यदि एक ही होगा तो एक सुखी होगा तो सब सुखी हो जाएंगे एक का पेट भरेगा तो सबका पेट भर जाएंगे तो फिर आपके भोजनालय में क्यों जाएगा एक जाओ एक को भेज दो सबका पेट भर जाएगा ऐसे जा सांख लोग तर्क करते ना ये पहले बताओगे सुख दुख है कहाँ पर ये पहले तो निश्चय करोगे सुख दुख तो आत्मा का धर्म है सिद्ध ही नहीं कर सकते आप सुख दुख कहाँ पर है सुख दुख तो मन में है है ना इसलिए सुख दुख जहां पर है उसी में भेद सिद्ध होगा है ना कोई सुखी है कोई दुखी है कोई इसलिए सुख का आश्रम मन अलग है और दुख का आश्रम मन अलग है इसलिए सुख दगादि की विरुद्ध धर्म के भेद से आत्मा में भेद सिद्ध नहीं होगा मन में भेद तो हो सकता है आत्मा में नहीं होता है धन में ना ये चीज है यहाँ पर कह दिया ठीक देखो सुखादि नाम उपाधि ना सुख दुखादि तो भाई ये उपाधि के मन के धर्म है इसलिए सुखादि आश्रित है ये तो सिद्ध है नास्ती स्रोत वजह से बाधकम इसलिए के वचन को ये तुम्हारा जो अनुमान है ये बाधक बाध नहीं कर सकता है तत्व तो तो और श्रुति प्रमाण से कोई बलवत्तर तो है ही नहीं भाषा देखो तत्व तो तो गुरुतर से प्रमाणांतर से है तत्व तो तो मतलब श्रुति प्रमाण श्रुति प्रमाण से कोई गुरुतर बल बलवत्तर बलवान कोई प्रमाण तो है ही नहीं श्रुति भगवती सबसे बलवती प्रमाण है उसका कोई बात करने वाला प्रमाण तो नहीं हो सकता <coughs> अच्छा आप चीज कहते हैं नानो, ना। अरे भाई ये तो प्रत्यक्ष है ना मैं सुखी हो, मैं दुखी हो ये सुख दुख का प्रत्यक्ष के अनुमान है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये तो प्रत्यक्ष है भाई प्रत्यक्ष जब दिख रहा है सुख दुख आत्मा में तो विरोध तो हो ही रहा है श्रुति से भी विरोध हो जाएगा ये बोलते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष है सबको अनुभूत हो रहा है न प्रत्यक्षम दुखादि अप्रिय व्यक्तित्व अव्यविचारी अनुभूति दुखादि दुखादि प्रिय है कि अप्रिय भगवान अप्रिय अप्रिय आत्मा तो अप्रिय व्यत्ता हो गया है कि नहीं अरे सर्वत्र अनुभूत हो रहा है जब भी दुख होगा अपने में हो रहा है जब भी दुख होगा कहाँ पर मानो पड़ रहा है अपने में असुख होगा तो अपने में मालूम पड़ रहा है ये तो प्रत्यक्ष है नारायण इसका वे विचार तो कभी सर्वदा सुख दुख का आत्मा में ही अनुभूत है अन्यत्र कहीं अनुभूत तो नहीं हो रहा है, है कि नहीं इसलिए आत्मा निर्गुण कैसे होगा आत्मा स्वगुण होना चाहिए यही यहाँ पर तार्किकों का कहना है इसका उत्तर दे रहे हैं ये बताओ आकाश में नीला दिखता है कि नहीं बताओ <laughs> किसी में दिखने मात्रा से उसका धर्म कैसे कहोगे आकाश में नीलिमा दिखती है कि नहीं दिखती है तो आकाश में नीलिमा है बोलो नहीं आकाश मलिन दिखता है तो आकाश में मलिन है नहीं हो सकता है दिखने मात्रा से उसका धर्म नहीं कह सकते ये सबसे बड़ी समस्या है है नाजरा ये कैसे होगा ये कैसे होगा लोग बोलते हैं ना आत्मा अद्वैत कैसे होगा हमको तो रहा दिखाई दे रहा है कि नहीं संसार सत्य दिखाई दे रहा है जो जो संसार मिथ्या कैसे होगा ये कैसे होगा कैसे होगा ऐसा चिल्लाने से थोड़ी होगा तो शांत होकर के बैठो विचार करोगे तो निश्चय होगा कैसे होगा कहने से जानने के लिए पूछ रहे क्या कोई माले बोले ये कैसे होगा ये कैसे होगा जानने के लिए पूछ रहा है सुनने के लिए तैयार है वो कोई सुनने के लिए तैयार हो ज्ञान के लिए प्रयास करे तो शंका का समाधान है ज्ञान भी हो सकता है और केवल कुतर करने से दुराग्रह करने से ज्ञान तो होगा नहीं यही वेदांतिक अभी बढ़िया सुंदर विचार है अंतिम अंतिम में ऐसा है देखो भाई कहते हैं इसलिए टीका में तस् आभासत्व वो तो आभास सुख दुख जो हो रहा है आत्मा में वो तो आभास है है ही नहीं वास्तविक न बाधकत्म ये तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है श्रुति प्रमाण का बाधक नहीं हो सकता इस अभिप्राय से परी हो न इत्यादि न भाष्य देखो ऊपर न जरादी रहितो जीर्णो अहम हम अहम आयुष्मान गौरव कृष्ण मृत इत्यादि प्रत्यक्ष अनुवत तत्पत्ते है सुख दुख का जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये भी भ्रांति है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये प्रत्यक्ष जो कह रहे हो सुख दुख ये कैसा है भ्रांति है इसलिए सुंदर दृष्टान दे दिया आज रहितो रहित आत्मा जरादि से रहित है है कि नहीं ये सड़भाव विकार आत्मा का तो नहीं है ये तो शरीर का है नारायण फिर भी क्या मानता है मैं अहम जिन्ना मैं वृद्ध हो गया है कि नहीं मैं वृद्ध कह रहा है कि नहीं और क्या मैं डायबिटीज बहुत बढ़ गया बोलते कि नहीं ये अमुक बढ़ गया अमुक बढ़ गया जब ठीक है <laughs> दवाई खा के लोग परेशान है ना तो ये प्रत्यक्ष है कि नहीं बताओ जातो अहम क्या बोले मेरा जन्म हुआ है हाँ प्रत्यक्ष है कि नहीं जन्म प्रत्यक्ष है ना मान रहे हैं ना अपने में मेरा जन्म हुआ है मेरी ओ, इतनी आयु है इतनी आयु है बोलते हैं ना आयुष्मान हाँ आधे को बड़े सुंदर बात करें गौरा हा मैं गौरा हूँ ठीक है हाँ और कृष्ण हा मैं काला हूँ मैं हाँ मैं मर गया तो कहाँ कोई मरा आ, ऐसा ऐसा बोलते ना अरे वो चला गया तो मेरा कैसे होगा बोलते ना घर में पुत्र चला गया कुछ हो गया ना? तो मैं मैं मर जाऊँगा तो मर जाता है अरे दो चार दिन रोते हैं फिर जैसे कैसे होते हैं है कि नहीं कोई कुछ नहीं होते ठीक है <laughs> ना ये तो सब भ्रांति है इत्यादि प्रत्यक्ष ये जो प्रत्यक्ष है ये अनुभव है ना नारायण ठीक इसी प्रकार से मैं सुखी हूं मैं दुखी हूँ ये सुखीपना दुखीपना ये भी भ्रांति है सत्य नहीं हो सकता है <coughs> इसलिए तारकी लोग भी तो मान उनको भी तो मानना पड़ेगा है तारक लोग भी आत्मा में रूपा मानते हैं क्या तो दे देना तुम तार्किक लोग तुम कहते हो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये सुख दुख को कहाँ मान रहे हो नहीं नहीं आत्मा में मान रहे हो तारके लोग आत्मा में मानते हैं ना है ना सुख दुख को आत्मा का धर्म मानते हैं क्योंकि रहा है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये भी तो रहा है कि मैं गोरा हूँ तो मानो फिर है तो मैं गोरा हूँ तो गोरापन किसका है, है? तो ए एक भाग मानते एक भाग क्यों नहीं मानते हो मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं यह वास्तविक है और मैं गोरा हूं काला हूं ये भ्रांति है ऐसे बाल लोग हाँ ये तो यह कुतर का हो गया फिर तो मैं गोरा हूं काला हूं जैसे कृष्ण गोरा आदि ये आत्मा का धर्म नहीं है शरीर का धर्म है स्थूल शरीर का धर्म है इसी प्रकार ये सुख दुख भी किसका धर्म है सूक्ष्म शरीर का मन का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है इसलिए प्रत्यक्ष से अनुभव होने पर भी श्रुति का बाद नहीं होगा <coughs> आगे देखो भाई दृष्टांत अपे सम न भवती। भाई दृष्टांत तो जो सबके लिए सम्मत हो उसका देना चाहिए ना, है ना? जैसे मैं जीर्ण हूँ मैं कृष्ण हूँ मैं गंगौरा गोर हूँ ये भ्रांति है आ, ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं ये भ्रांति नहीं है सत्य है कोई बोलेगा मैं जीना हूँ मैं गोरा हूँ काला इसको भ्रांति क्यों कहते हो इसको सत्य मान लो है ना पूर्व पक्ष कह रहे हैं यदि संकट सर्वम भी एत सत्यम इति चेत ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है इसको सत्य मान लो भ्रांति क्यों मानोगे है बोलते हैं कि अस्थि एवं एत एवं ठीक है ये प्रत्यक्ष भान हो रहा है समझ में ना मैं जीवम गोरा हूँ काला हूँ ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है अनुभव नहीं हो रहा है हम नहीं कह रहे अनुभव तो हो रहा है ये तो भ्रांति से भी हो सकता है ना है ना भ्रांति से भ्रांति से भी दिखता है दिखने मात्रा से भ्रांति नहीं है कैसे कहोगे दिखने मात्रा से सबको सत्य कैसे कहोगे नहीं कह सकते ये बोलते हैं देखो ठीक <coughs> है जरा देह सत्य वचनम तदीयम एवं अस्थि एवं अंगी करोती है ना ठीक है ये जरादि आत्मा में भाषता है मैं जिन्ना हूँ मैं युवक हूँ बालक हूँ ये भान हो रहा है भान नहीं हो रहा हमने हम नहीं कह रहे हैं इसलिए तुम्हारा वचन सत्य है हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसलिए कहते अस्थि एव एत एवं फिर भी ये आत्मा का धर्म नहीं हो सकता ये बोलते हैं, है ना? देखो टीका थोड़ी सी अंगिकारे हेतु में वो स्वीकार करने में क्या हेतु है तुमे? ये आत्मा के स्वरूप को जानना सबसे बड़ा कठिन है संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है आत्मा के स्वरूप को जान लेना ठीक ठीक यही सबसे बड़ा क्या है पुरुषार्थ इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं यही परम पुरुषार्थ समझ लो आत्मज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी मोक्ष तो नित्य प्राप्त है है कि नहीं इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये कहना है तो ज्ञान ही मान लो आत्मज्ञान हो गया तो मोक्ष हो ही जाता है कि नहीं इसलिए बोले दूर मूल में चल चलभाष्य दूरावगम मतलब आत्मा का ज्ञान होना बड़ा कठिन है दुखे ना अवागम्य थे तो दूर बड़े कष्ट से आत्मा को जाना जाता है इसलिए ये ना देवराज हो पी देवराज था उस मावली आदमी नहीं था वो बुद्धिमान हो तो राजा बनेगा वो कितनी है ना एक छोटे से घर को जलाने के लिए कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है हाँ एक छोटे से आश्रम को चलाने के लिए कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है अरे इतने बड़े स्वर्ग को चलाना है है कि नहीं हाँ देवताओं का राजा बनना है है बहुत बुद्धि है वो देवराज फिर भी आत्मा को जानने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा उनको क्योंकि <laughs> तो आत्मज्ञान कठिन है दूर अवगवम ये ना देवराजो हो देवताओं का राजा है फिर भी उधर शराब दर्शित विनाश है ना विनाश जुक्ति रफी मोमोह फिर भी उनको जल में तुम देखो कहा कि नहीं पहले हैं जल में देखो फिर वस्त्र आदि पहन करके देखो कितने सारे दृष्टान दे दिए फिर भी उनको भ्रांति होगी छाया आत्मा है भ्रांति <laughs> होगी ना ये बोलते हैं इसलिए दर्शिता अविनाश जुक्ति आत्मा अविनाशी है इसको के लिए जुक्ति बता दिए फिर भी मोमोह इसलिए आत्मा के विषय में उनको मोह हो गया भ्रांति हो गया मोह मतलब भ्रांति हो गई मोह बचित भ्रांति हो गई है न इसलिए विनाशम में अपित होती इसलिए कहा ना फिर मैं तो विनाश को प्राप्त कर लिया सुसुप्त में जाते हैं तो कोई आत्मा ज्ञान नहीं अपनी को जानता है ना बेच दूसरे को जानता है एक प्रकार से तो कोई पुरुषार्थ नहीं बोल दिया मतलब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तीन पर्याय में भी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ चौथे पर्याय में आत्मज्ञान हुआ कितने साल के बाद हुआ मालूम है एक सौ सा, एक साल के बाद हुआ उनको कठिन काम है ना हाँ कितने ये तो कि एक सौ सा, एक साल नहीं कितने जन्म बीत जाएगा आप लोग का तो नहीं बीतेगा बीता होगा <laughs> नाम जन्म नामंते ज्ञान वन मामोधे बहुत जन्म करोड़ों जन्म बीत सकता है <coughs> देखो नारा इसलिए कहते हैं टीकाकार देखो क्या कहते हैं तथा विरोचन थोड़ा भाष्य हम ले लेते हैं फिर करें तथा विरोचन हो विरोचनो महाप्राज्ञा ये विरोचनी मामूली नहीं है वो भी बड़ा बुद्धिमान है महाप्राज्ञा महान चाशो प्राज्ञा थी महाप्राज्ञा बहुत बुद्धिमान था विरोचन वो भी तो अश्लू का राजा है मामूली है क्या वो भी बहुत बुद्धिमान था वो प्राज्ञा कह दिया महान विद्वान था वो प्राजापत्यपी और तो किसका संतान है वो भी तो प्रजापति का संतान है कौन विरोचन प्राजापत्यपी फिर भी उनको कहाँ पर हो गया आत्मज्ञान देह में हो गया देह मात्र देह, 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 देह मात्र आत्मादर्शन हो मात्रा आत्मदर्शन मतलब देह मात्रे आत्मदर्शनम यश गौरी समाज देखो देह मात्रे, देह मात्रे आत्मदर्शनम यश सह देह मात्र आत्मदर्शनों कौन विरोचना है उनको देह में आत्मबुद्धि हो गई <स्थाँग> अच्छा <स्थाँग> तथा इसलिए जो है थोड़ी अब देखो टीका में देखो ये वेद भगवती भी क्या करेगा अधिकारी जो न हो तो ज्ञान कैसे करा सकता है है वेद भगवती हो कितना बड़े महापुरुष भी हो मान लो है उसके योग्य अधिकारी ना हो तो क्या करेगा ज्ञान करा देगा वो नहीं करा सकता ये नियम है देखो इसको पंक्ति को लाइन लगाओ टीका में इस पंक्ति को लाइन लगाओ अधिकारिण प्रमिति जनको वेद इति न्यायात ये न्याय है आ, इसको लाइन रखो याद रखना इसको वेद क्या है अधिकारिण प्रमिति हो अधिकारी यदि हो तो ज्ञान का जनक होगा नहीं तो वेद ज्ञान का जनक नहीं हो सकता है वेद शून्य मात्र से ज्ञान नहीं हो सकता है अधिकारी यदि ना हो तो कैसे होगा समझ में नहीं ऐसा कह रहे अरे मान लीजिए मटकी है मटकी है मटकी में जल भर दो हम्म पांच टो छेद हो गया मान लो हम्म पांच टो छेद हो गया जल रहेगा चलो एक छेद हो तब तो रह सकता है अरे चाहे एक छेद हो चाहे पांच टू छेद हो छेद होने मात्र से जल नहीं रह सकता में इसी अगर एक भी ना रही <laughs> तब भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता यदा सर्वे प्रमुद चंदे कामा यश हृदय था कहते एक भी कामना रही लोकेषणा तब भी नहीं ज्ञान हो सकता चित्त बहुत शुद्ध होना चाहिए इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक अथात ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुष्टा संपन्न ना हो और ज्ञान भी हो जाए ऐसे नहीं होता है संभव नहीं हो सकता है ना चित्त बहुत शुद्ध होना चाहिए ठीक है इसलिए पहले अधिकारी का निरूपण किसी भी ग्रंथ में देखो पहले अधिकारी का निरूपण होता है मैं अधिकारी हूं कि नहीं हूं ये पहले पता लगाओ समझ में नहीं इसलिए प्रतिबंधक को पहले दूर करो है ना ये ध्यान फ्यान बाद में करना पहले कुसंग को छोड़ो बोलते हैं ना है नारद जी भगवान ये कहते हैं कुसंग सर्वथा एव त्याज्य नारद भक्ति सूत्र में कहा है सर्वथा कभी भी मुझे धन मुझे जो है संगति दो या ना हो मैं मेरे ऊपर आप कृपा करो या ना करो उसको छोड़ो लेकिन मेरे ऊपर ये कृपा करो बाकी कृपा करो या ना करो क्या कुसंग से मुझे दूर करो कुसंग मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकते क्यों ये प्रतिबंध है कि ना कुसंग का भी साथ करो और इधर वेदांत का भी अध्ययन करो ऐसे नहीं होता है इसलिए परिवेश का बड़ा महत्व तो होता है ना इसलिए <laughs> आश्रम में नियम वगैरह रखना पड़ता है ये सब क्यों करते हैं कुसंग का यहाँ पर प्रवेश ना हो इसलिए कहा जाता है सर मैं ऐसा होता है ना जैसे कहते हैं कि तीन आदमी मिल करके वो हाँ मिल करके बकरी को क्या बोल दिए कुत्ता बोल दिए कितना आदमी मिल करके तीन आदमी मिल करके बकरी को क्या बोल दिए अरे ये तो कुत्ता है कुत्ता को लेकर कहाँ जा रहे हो एक आदमी बोला तो कुछ नहीं कहा दो आदमी बोला संशय हो गया उनको तीसरे आदमी के बात सुना तो छोड़ दिया उसको फिर छोड़ दिया चला अभी कुत्ता है बोल दिया ना तीन आदमी बोल दिए इस बार जहाँ पर कुसंग है ना जहाँ पर है जो कुसंग की मेजोरिटी ज़्यादा हो हाँ तो फिर साधक का क्या होगा वो भी उसके बाद मान लेगा क्या करे सब लोग मिल कर के बोल रहे तो मानना ही चाहिए <laughs> तो भारत में तो ये से सब तरह यही होता है बस वही जीतता वही नेता बनता है <laughs> कि नहीं जिसकी मेजोरिटी हो वही नेता बनता है कि नहीं <laughs> इसी पे कर अधिकायण प्रमिजनक न्याय इति न्याय है, न्या, न्या है। इसलिए स्वादिश नाम से नाम शान्वादान अनधिकायणाम दुर्गान आत्मतत्वम इले तुम तुरतार्किक हो इले तुम कुतर्क करने वाले हो तुम्हारे जैसे कुतर्क करने वाले ये अनधिकारी है उनको कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है दुर्ज्ञानम आत्मतत्वम ज्ञान संभव है ही नहीं अधिकारी होना चाहिए कुतर्क न करो श्रुति के ऊपर श्रद्धा रखो महापुरुष के ऊपर श्रद्धा रखो तब तो जाकर करके ज्ञान हो सकता है अतो <coughs> तो व जरादि सत्यवचनम नतावता वस्तु क्षति फिर भी ठीक है ये गोरापन कालापन जरादि भाषता आत्मा में आत्मा में भाषण पर भी जो है आत्मा में ना कोई है ना अवस्था है ना कोई वृद्धावस्था कुछ है इसलिए न तावता बस्तु क्षति स्वरूप में कोई क्षति नहीं है आत्मा तो असंग है आत्मा तो अद्वित है दुरावगमत्व लिंगम आत्मा का ज्ञान करना बड़ा कठिन है इसमें ज्ञापक कहते हैं लिंग ये न देखो भाष्य में कहते हैं ये ना <coughs> देवराज भी ये बात कह दी थी अत्र इत्यत्र आत्मदत्त अत्र का है ना इसके विषय में है मोह हो गई भ्रांति हो गई भाष्य देखो कहाँ पर दूसरी प्रारग्राम में दूसरी पंक्ति मोमोह एव अत्र अत्र कहने से आत्मा के विषय में भ्रांति हो गई छाया को आत्मा मान लिया कौन इंद्र और विरोचन शरीर को मान लिया तस् दुर्ज्ञान लिंगातरम आत्मतत्व को जानना बड़ा कठिन है इसमें और एक लिंग बताते हैं ज्ञापक तथा शब्द से देखो विरोच बीरोचा, तथा विरोचन आगे तथा संख्या थोड़ी सी टिक कर ले लो का भ्रांतिर भी आत्मनो दुर्घाने गमयती तथा इंद्र से ये जो वैनाश्य लोग जानते हैं ना वैनाशिक वैनाशिक बोलते हैं वैनाशिक जैसे योगाचार लोग है ना सबको क्षणिक मानते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम ऐसे मानते वो लोग है जो सत के रूप से भाष रहा है वो क्षणिक जो सत के रूप से भाष रहा है उसको सबको कहते हैं क्षणिकम लेकिन बोलते हैं कि वही वस्तु है देखो वही पुस्तक हम पढ़ रहे हैं कि नहीं देखो कितने महीने से इसी पुस्तक पढ़ रहे है है तो पुस्तक एक ही अलग हुआ ये पुस्तक एक ही है ना आप बोलते हैं जो भी सत्य है दिख रहा है सत्य के रूप से सब कहते हैं क्षणिक ये कैसे होगा अरे बोलते हैं कि देखो वही वस्तु है ऐसी प्रतिविज्ञा होने पर भी नित्य नहीं हो जाता वो अविनाशी नहीं हो जाता है वो क्षणिक ही रहेगा वो देते देता है का हाँ दीपक की शिखा पूर्वक क्षण में जो थी वही है कि दूसरी है हाँ, बोलो दूसरी है हाँ जैसे पहले आपको बुखार हुआ था आपको कोई दवाई लिख दिया डॉक्टर ने पैरासीटामोल इत्यादि फिर एक महीने के बाद फिर बुखार हो गई फिर बुखार हो गई थे फिर दवाई लिख दिया ताकि बोलते वही दवाई फिर लिख दे तो वही दवाई है न? वही दवाई है उसी की तरह दबे और दबे थोड़ी वही है अरे उसी गंगा जी में नहीं वही गंगा जी का जल थोड़ी हो वो तो बहता ही रहता है बहता ही रहता है इसी प्रकार सभी वस्तु क्षणिक होते हैं ये वैनाशिक बोलते हैं है ना उसी वाले योगाचार है मत संति मत तासाम विवर्तो खिला हा। सब क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त ऐसा है। मानते हैं योगाचार सिद्धांत बुद्ध में चार और में एक योगाचार होता है <laughs> तो इसलिए सांख्य लोगों की भ्रांति है सबको भ्रांति हो रही है, है ना? भाष्य में एक पंक्ति आई ना, तथा इंद्र से आत्म विनाश भय सागर एव वैनाशिका निवज्जन निमज्जन वैनाशी लोग जो आ चल लो वो भी आत्मतत्व में भ्रांति को प्राप्त कर ली आत्मा को कह दे विनाश है कि नहीं उसमें डूब गए मतलब आत्मज्ञान नहीं हुआ आत्मा आत्मा के स्वरूप का इसी वगैरह सांख्य लोग ही मानते हैं सांख्य लोग बड़े विवेकी होते हैं है ना बहुत नजदीक तो, तो आए वेदांत तक कि सारा संसार जो है प्रकृति के प्रकृति से है सभी संसार और जो पुरुष है आत्मा वो भिन्न है प्रकृति से समझ में और पुरुष कैसा है होते हैं पुरुष असंग पुरुष मतलब पुरुष मतलब मेल नहीं कह रहे हैं पुरुष पुरुष मतलब आत्मा मेल फीमेल की बात नहीं चल रही पुरुष मतलब आत्मा आत्मा असंग है है कि नहीं लेकिन वो पुरुष जो आत्मा उसको कहते नाना अनेक आत्मा मान लिए देखो उनको भी भ्रांति हो गई है ना प्रकृति पुरुष का विवेक होने पर ही पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ उनको देखो भाष्य देखिए है <coughs> तो तथा सांख्याद्रष्टारम देहादिव्यतिरिक्त अवगम्यपी त्यक्त आगम प्रमाणवाद मृत्यु विषय एवं अन्यत दर्शन तस्थु जैसे सांख्य लोग होते हैं सांख्य सांख्य का नहीं कपिल के अनुजयी वो क्या मानते हैं दृष्टा को मानते हैं अदृष्टा कैसा है पुरुष देहादि देहादिव्यतिरिक्त ये देहादि तो प्रकृति का है त्रिगुणात्मक है और आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है आत्मा तो निर्गुण है है कि नहीं देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा तो है ऐसा ज्ञान होने पर भी अवगम्य अपि त्यक्त आगम प्रमाणत्व लेकिन आगम जो प्रमाण है श्रुति बोलती है कि एक वितीय श्रुति कहती है एक वितीयम नेह ना किंचन और प्रकृति को तुम सत्य मानते हो लेकिन माया मात्रमदम दे तम आत्मदम सरमम श्रुति बोलती है सर्वम खुलदम ब्रह्मस्वती बोलती है है कि नहीं और बोलते हैं कि प्रकृति जो है सत्य है और आत्मा नाना भी कहते हैं तो ये तो त्यक्त आगम प्रमाण आगम प्रमाण को जिसने त्याग कर दिया है कि नहीं मृत्यु विषय इले मृत्यु का भी संसार हो गया अन्यत्व दर्शन है ये भेद दर्शन देख लिए पुरुष और प्रकृति अलग अलग है दोनों को सत्य मान रहे हो और प्रकृति स्वतंत्र है जैसे हम माया को मिथ्या मानते हैं वो लोग प्रकृति को मिथ्या नहीं मानते प्रकृति भी सत्य है भी सत्य है, ऐसा मानते वो लोग, ठीक है? अन्यत्व दर्शन है भेद ज्ञान में वो स्थिर हो गए तस्थु मतलब स्थिर हो गए बस <coughs> इतने में रखते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्णम पूड़ पूर्ण पूर्णश्च पूर्णमा पूरमे ओम वापशेषते ओं शिशास्ता शंकर शंकर केशवम बाधरा श्रोत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति ब्योमावत व्याप्त देहाय दक्षिणा मुरते नमः ओम शांति ही शांति शांति